top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. रोशनी कमी है वही तो और वेदर नहीं है कैमरा बंद कर दूंगा भाई की हत्या होना सामने आया है, क्या पूरा मामला है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये 27 तारीख से एक बच्चा जो हरौला क्षेत्र से मिसिंग था, जिसका मुकदमा 28 तारीख को लिखा गया था, उनके घर वालों की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था और इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। 29 तारीख को एक सूचना आई कि उसी क्षेत्र में एक नाली में बम मिला है, और जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जानकारी की गई तो वहां से एक डेड बॉडी मिली। शिनाख्त करने में पता लगा ये उसी बच्चे की है जो मिसिंग चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लोगों से बातचीत हुई, आसपास के लोगों से, परिजनों से बात की गई, तो कुछ लोगों के संदिग्ध जो है वो नाम सामने आए हैं। उनमें से जब एक व्यक्ति को इतला जारी की गई, पुलिस टीम में निकली उसको, तो जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपने द्वारा इस बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या करने की बात को स्वीकारा है। उसके साथ उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक और व्यक्ति भी शामिल था, जिसको उसकी निशानदेही पर दोबारा से गिरफ्तार किया।
मैं दहखाने का टाइम भाग जाता हूँ। क्या हुआ था? इसमें जो एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है रविंदर, ये उसी बिल्डिंग में करीबन 10-11 साल से रह रहा था और जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उस बच्चे के साथ काफी दिनों से फ्रेंडली हो गया था, उसको बाहर घुमाने वगैरह भी ले जाता था। तो जिस दिन की ये घटना है उस दिन भी वो ऐसे ही बाहर घुमाने के बाद से उसको दूसरे अभियुक्त जो कि राजेश है उसके कमरे पे ले गया। वहाँ इनके इनके मन में और इनके द्वारा जो सोच थी कि इसके द्वारा दुष्कर्म किया जाए और उसी के चलते इनके द्वारा दुष्कर्म किया गया और उसी एक्ट में उसकी सिफारिश कर दी। इससे पहले इसमें कभी कोशिश की।